वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस अब्रोल। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ, रिव्यू प्लस डेमो करने वाली हूँ इस गार्नियर की स्किन नेचुरल लाइट कंप्लीट सीरम क्रीम का। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस क्रीम का प्रॉज एंड कॉन्स, क्यों हमें इस क्रीम को हमें यूज़ करना चाहिए, क्यों नहीं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये गार्नियर स्किन नेचुरल लाइट कंप्लीट स्किन सीरम क्रीम है, मतलब कि ये सीरम कंसिस्टेंसी में क्रीम है। ये क्रीम भी नहीं है बेसिकली और सीरम भी नहीं है। ये स्किन मतलब कि ये क्रीम और सीरम के बेस के बीच का जो कंटेंट होता है ना, उस टाइप की क्रीम है, ठीक है। जो बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट की, इसके इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है वाटर है, पैलीमेटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, नाइथमन ग्लिसरीन है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, लेनियन है, किंजॉल है, डाइमिथाइन है, पेंटोल है, अल्कोहल है, फ्रेग्रेंस है, मिथाबेल पैराबेन है, मिथिक एसिड है, एल्युमिनिक एसिड है, सिट्रिक जूस है, फ्रूट्स सिट्रिक जूसेस एक्सट्रैक्ट हैं, ठीक है, एंथोल एक्सट्रैक्ट है, एंथोल एक्सट्रैक्ट है, और इसके अंदर जो है सैलिसिलिक भी है, ठीक है। इस क्रीम में सैलिसिलिक भी है। अब इस क्रीम की मुझे अच्छी चीज़ें ये हैं कि मैं इस क्रीम को 5-6 डेज से यूज़ करती हुई आ रही हूँ। मुझे इस सीरम से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। मतलब मेरी स्किन पे जो पहले लाइट स्पॉट थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स थे और मेरी स्किन के पिंपल्स के जो स्पॉट्स वो रह जाते थे, तो उसको इसने काफ़ी हद तक लाइट अप किया है। मेरी स्किन पर तो इसने काम किया है, ठीक है। इस बस मुझे इस क्रीम का एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगी, या ये कहूँ कि इसकी बैड क्वालिटी लगी, इसका कॉन मुझे यही लगा कि इसके अंदर जो है पैराबिन है, और बस इसके अंदर पैराबिन है जिसकी वजह से मुझे ये नहीं अच्छी लगी। अदरवाइज़ पैराबिन इसमें नहीं होता तो ये और अच्छी क्रीम होती, बट पैराबिन कई बार हमारी क्रीम को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो पैराबिन बैड नहीं होता, वो कुछ अच्छे केमिकल के लिए भी, अच्छी चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसका प्राइस की बात कर लें तो इसका प्राइस है 129 का, ठीक है, 129 का। 45 ग्राम इसकी मुझे 45 ग्राम मिलता है ये 129 रुपीज़ में, और 2019 में मैंने ये लिया था, तो इसकी शेल्फ लाइफ 2020 है, आप देख सकते हैं 2020, ठीक है। प्राइस भी इसका 129 है, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, आप एक बार इंग्रेडिएंट भी इसके पढ़ सकते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या हैं, ठीक है। मैं अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक लाइट क्रीम और सीरम की कंसिस्टेंसी टाइप में है। देखिए बिल्कुल आसानी से ये अब्सॉर्ब हो जाते हैं स्किन में, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था इसलिए, लेकिन ये बहुत ही आसानी से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। देखो इंस्टेंट इससे हमें एक रिज़ल्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें विटामिन सी है, विटामिन सी डिराइव्ड है ये, दैट्स व्हाई। अब आप देख सकते हैं दोनों हाथों में मेरा डिफरेंस देख सकते हैं आप, इंस्टेंट मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस, इसने मेरे हाथ को कितना लाइट अप कर दिया है। तो मैं अब आपको इस क्रीम को अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो चलिए मैं अब आपको इस क्रीम को अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। हमें इसकी सिर्फ थोड़ा सा ही कंसिस्टेंसी लेनी है, ज़्यादा हमें नहीं लेना। देख सकते हैं आप, इसने मेरी स्किन को बिल्कुल एक फेयर टोन स्किन बना दिया है। एक्चुअली मैं बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगाने की भी नीड नहीं मुझे लग रही है अपने फेस पे, और इसने मेरे दाग धब्बों को काफ़ी फेड आउट किया। जैसे देख सकते हैं अब यहाँ पर मुझे काफ़ी पिम्पल्स के एक्ने के मार्क्स थे, जो इसने मेरे एक्ने के मार्क्स को लाइटन अप किया है। सो देख सकते हैं आप। If you like my video, then please like, subscribe, like, comment, share, and like, comment, share my video.
एंड प्लीज़ नीचे दिए रेड बटन को सब्सक्राइब करें एंड बराबर वाले नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें फर्दर फर्दर वीडियोस के लिए, ठीक है, जिससे आपको पहले ही मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो बाय बाय।